हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। एफकेट के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड जो है अपनी मेल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको फर्दर बता देता हूँ कि लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा, लेकिन अगर आप अपना इंग्लिश और मैथ का सेक्शन अच्छा रहते हैं, रीजनिंग वाले सेक्शन में हाई स्कोर करते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन नहीं करते हैं, तो आपका इजीली स्कोर 200 प्लस जा सकता है। बाकी और कोई गाइडेंस के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में आपके डायरेक्ट मेल आईडी पे आएंगे और जो इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड के मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन मेन इंस्ट्रक्शन आपको रीड आउट करा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन चीज़ का ये ध्यान रखना कि जो आपका एफकेट का एडमिट कार्ड है वो आपके पास रहना चाहिए, अदरवाइज आप SSB में अपेयर नहीं हो पाएंगे। अगर पास एफकेट का एडमिट कार्ड में यहाँ पर जो सील लगा के देते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पर, यहाँ पर जो सील लगा के देंगे इस सील के जो अटेंडेंस वाली, ठीक है, तो ऑब्जर्वर के सामने सिग्नेचर ऑफ IF ऑब्जर्वर, ये उनको ज़रूरी है। अगर ये एडमिट कार्ड आप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो आपका AFSB इंटरव्यू नहीं दिया जाना जाता, ठीक है। और जो फ़ोटो होती है AFSB के टाइम पे, वो भी आपको बता देता हूँ। ये वाली फ़ोटो ही मेनली जो आपने फॉर्म में अपलोड करी है, ये फ़ोटो ही आपको अपीयर करनी होती है। आप फ़ोटो देख लीजिएगा, ये फ़ोटो ही आपको अपीयर करनी पड़ती है। और इसके अलावा दो डेट्स हैं, 16 और 17। 16 वालों का एडमिट कार्ड अभी रिलीज हो चुका है, 17 वालों का भी आई होप कल तक आ जाएगा। और जो भी हैं अपने सेंटर्स को पहले ही फिक्स कर लें। और हाँ, बता देता हूँ आपको इसके साथ में शिफ्ट और रिपोर्टिंग का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कई जगह अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पे 8 AM का रखा है, देखो रिपोर्टिंग टाइम 8 AM का है, लेकिन अगर दो शिफ्ट में हो रहा है, दो शिफ्ट में पेपर है, तो अपन शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी समय रिपोर्ट करें। कई जगह दिक्कत हो जाती है, जैसे लास्ट टू लास्ट माई सेंटर वॉज इन बिकाने नाल, तो वहाँ पर हमें एंटर करने नहीं दिया गया था और 1 घंटे पहले ही एंट्री बंद कर दी गई थी। इसलिए जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी रिपोर्टिंग टाइम पे ही जाएं। जहाँ जैसे मेरा अभी सेंटर कोटा आ गया, पहले मोस्ट ऑफ मेरा जयपुर सेंटर आता था तो वो दिक्कत नहीं होती। लास्ट ईयर मैं चेन्नई गया था तब भी वहाँ दिक्कत नहीं थी। एक बार बीकानेर नाल आया था मेरा सेंटर, तो वहाँ इशू हो गया था। तो ऐसा ध्यान रखें और अपने सेंटर पर सही वक्त सही समय पर पहुँचें। और कोई क्वेरी चाहिए और कोई कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मिलेगा। लास्ट टाइम भी मेरा क्लियर था, इस बार भी आई होपफुली क्लियर हो, आपका साथ रहा। और बाकी आपको गाइडेंस चाहिए किसी रिगार्डिंग या फिर रिगार्डिंग, तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर मैंने याद दे रखे हैं, देखिए यही नंबर है मेरे, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और गाइडेंस चाहिए क्लासेस या भी हम 15 डेज में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश का पूरा सिलेबस हो रहा है, रीजनिंग हमारा 15 डेज में चल रहा है, ठीक है जी। उससे जय हिंद। और बस हमारी पढ़ाई चल रही है, देख लीजिएगा आप साथ में, बच्चे सब मेहनत कर रहे हैं अच्छे से दबा के। अच्छा, अब बुक उठाएगा बच्चा, देखो मैं अब बुक उठा रहा है बच्चा, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से करिएगा सभी।